हाँ तो भाइयों, BGMI के अंदर आज यानी कि 28 सितंबर को एक नया इवेंट आया दशहरा इवेंट नाम से, जो कि 19 अक्टूबर को खत्म भी हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये तो पता ही होगा कि इस इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है, इसके अंदर क्या क्या मिशंस है, तो ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। साथ में एक और चीज बताने वाला हूँ कि इस इवेंट को एक दिन में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और इस इवेंट के अंदर जो स्पेशल गन की स्किन है UMP45 की, वो तो मेरे पास पहले से ही है। UMP45 की द स्कल स्किन मेरे पास जब से है, जब UMP45 का नाम UMP9 हुआ करता था। अब ये स्किन मुझे कैसे मिली बिना इवेंट के, आप इस गन की स्किन को फ्री में कैसे ले सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि अगर आप इस इवेंट को कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी पहली पिक क्या होनी चाहिए, पहली चीज क्या आपको रिडीम करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली वीडियो जस्ट मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि भाई जो नया इवेंट आया दशहरा इवेंट उसको डिटेल से समझा दो, दैट्स व्हाई मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आज एक और नई वीडियो आने वाली है जो आपको 7 या 8 बजे देखने को मिल जाएगी। बाय चांस अगर वो स्किप होती है तो आपको डेफिनेटली कल मॉर्निंग में वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अब बात कर लेते हैं हमारी वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस इवेंट को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो हमारी जो पहली चीज है वो ये है कि आपको टोटल 500 पत्ते या फिर लीव्स को कलेक्ट करने हैं, जिससे आप ये पर्टिकुलर फ्रेम को रिडीम कर सकते हो। तो जो हमारी दूसरी चीज है वो है UMP45 की द स्कल्स स्किन, इसको रिडीम करने के लिए आपको 500 पत्ते या फिर लीव्स चाहिए होंगे, तभी इस गन की स्किन को आप रिडीम या फिर परचेस कर सकते हो। अब जो हमारी तीसरी चीज है वो ये है कि आप 10 पत्ते या फिर लीव्स से एक सप्लाई स्क्रैप को रिडीम कर सकते हो। हमारी जो चौथी चीज है वो भी इससे सिमिलर ही है, आप 10 लीव्स से एक क्लासिक स्क्रैप को रिडीम कर सकते हो। अब जो हमारी पांचवी चीज है वो ये कि आप 10 लीव्स से या फिर पत्तों से 100 एजी करेंसी रिडीम कर सकते हैं। और जो हमारी लास्ट चीज है वो ये है कि आप 5 पत्तों से या लीव से 1 BP क्रेट को रिडीम कर सकते हो। अब ये तो आपको पता लग गया होगा कि आप कितने पत्तों से क्या क्या रिडीम कर सकते हो। अब मैं बता देता हूँ कि आपको ये पत्ते कहाँ से और कैसे लेने। अब जो हमारा पहला मिशन है जिससे आपको 100 पत्ते मिल जाएंगे वो ये है कि आपको 5 स्टन ग्रेनेड को यूज करना है। अब चाहे से आप उसको एक क्लासिक मैच में यूज करो या फिर 5 क्लासिक मैच में, आपको टोटल 5 स्टन ग्रेनेड यूज करना है जिससे आपको 100 पत्ते मिल जाएंगे। अब जो हमारा दूसरा मिशन है जिसको कंप्लीट करने से आपको 150 पत्ते मिल जाएंगे वो ये है कि आपको 10 स्टन ग्रेनेड को यूज करना है। अब वही बात है, आप इसको एक क्लासिक मैच में कंप्लीट करो या फिर 10 क्लासिक मैच में, आपको टोटल 10 टन ग्रेनेड को यूज करना है। अब जो हमारा तीसरा मिशन है जिसको कंप्लीट करने से आपको 200 पत्ते मिल जाएंगे वो ये है कि आपको 20 टन ग्रेनेड को यूज करना है। अब इसको चाहे आप एक मैच के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो, चाहे आप 20 मैच भी लगा सकते हो, आपको टोटल 20 टन ग्रेनेड को यूज करना है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी कि ये सारे मिशन आपको 19 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करने, तभी जाके आप वो फ्रेम वगैरह को रिडीम कर पाओगे। उसके बाद ये इवेंट चले जाएगा, उसके बाद आप रिडीम नहीं कर सकते। अब भाई जो बंदे कंफ्यूज है कि भाई स्टन ग्रेनेड का मतलब क्या, तो भाई वही ग्रेनेड जिसको यूज करने से हमारे आंखों के सामने सफेद अंधेरा छा जाता है। और आपको एक और बात ध्यान में रखनी कि आपको ये सारी मिशंस केवल क्लासिक मैच में कंप्लीट करने, तभी जाके इवेंट कंप्लीट होगा। इसके अलावा 2 मिशंस और है जो कि डेली बेसिस पे रिफ्रेश होंगे, जो कि है अगर आप क्लासिक मैच में 3 एनिमीज को किल करते हो तो आपको 10 पत्ते मिल जाएंगे, 3 एनिमीज को किल करने के बाद अगर आप 5 एनिमीज को और किल करते हो तो आपको 30 पत्ते मिल जाएंगे। तो ये दोनों जो पर्टिकुलर मिशन है वो डेली बेसिस पे रिफ्रेश होंगे। बाकी जो मिशन थे जिससे आपको 100 पत्ते 150 200 पत्ते मिलने थे वो एक ही बार होगा, आप उसको एक ही बार कंप्लीट कर सकते हो, डेली रिफ्रेश नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं आप इस मिशन को फटाफट से कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको सिंपली एक क्लासिक मैच सोलो वाला लगा लेना है, उसके अंदर आपको पूरा मैप को ट्रेवल करना है, तो आपको जितना हो सके बिल्डिंग्स लूटनी है। अब आपको मैं एक पर्टिकुलर जगह भी बता देता हूँ जो कि है यासनाया पोलियाना। अगर आप वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स को कवर कर लेते हो लूट के तो आपको मिनिमम वहाँ पे 10 स्टन ग्रेनेड तो मिल जाएंगे। तो अगर आप केवल ऐसे 3 मैच में करते हो तो आपका जो स्टन ग्रेनेड वाला मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको टोटल 35 स्टन ग्रेनेड को यूज करना है। और याद रखना, जब आपको स्टन ग्रेनेड मिले तब आप उसी टाइम उसको यूज कर लो, बाद के लिए बचा के मत रखना। इसके अलावा आपको एक दिन के अंदर मिनिमम 8 बंदे किल करने क्लासिक मैच के अंदर। अगर आप केवल ऐसा 4 दिनों के लिए करते हो तो 20 दिनों का इवेंट आपका 4 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा करने से आप मिनिमम टाइम पे इवेंट कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप रिडीम करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या रिडीम करो। अगर आपके पास UMP45 की गन की स्किन कोई सी भी नहीं है तो आप UMP45 की स्किन की तरफ जा सकते हो। फ्रेम लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको फ्रेम लेना ही है तो आप क्लेन की जो शॉप होती है वहां से भी फ्रेम को परचेस कर सकते हो। ये वाली फ्रेम लेना इग्नोर करना। अगर आप तीसरी चीज पे जाना चाहते हो, जो आपको क्लासिक स्क्रैप मिल रहे हैं, आप उस पर भी जा सकते हो। अपने सारे पत्ते आप क्लासिक स्क्रैप या फिर 100 एजी पॉइंट्स पे लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास UMP45 की स्किन नहीं है तो आप जाना, नहीं तो उस पे भी मत जाना। अब जैसे मैंने वीडियो की शुरू में बोला कि भाई ये वाली गन की स्किन मेरे पास पहले से ही है, अभी मुझे कैसे मिली, तो बेसिकली ये वाली गन की स्किन काफी टाइम पहले या तो क्लासिक क्रेट में आती थी या फिर प्रीमियम क्रेट में आती थी। मैंने अपना गोल्डन टाइम मेथड यूज किया था और मुझे ये वाली गन की स्किन मिल गई थी। लेकिन करंटली ये वाली गन की स्किन आपको कहीं पे भी किसी भी क्रेट में देखने को नहीं मिलेगी। इसको अगर आपको बिना इवेंट के कलेक्ट करना है तो आपको एक अचीवमेंट मिशन है जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आ जाऊंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जिनको नहीं पता कि भाई ये गोल्डन टाइम मेथड क्या है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, 10K पे एक मेगा गिव अवे होने वाला है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।